नीचे आ गया सामान लेके, मैं तो कुछ करने से मेरी मीटिंग चल रही है। हाँ होल्ड करिए। हाय हाय जया, हाय शारदा जी, हेलो, वेलकम टू अमूल लाइव। हाय संदीप, हाय एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं अमूल लाइव पर टार्ट्स, चॉकलेट टार्ट, एंड दे आर मल्टी फ्लेवर्ड चॉकलेट टार्ट्स। सो यूजुअली चॉकलेट टार्ट आपने देखे होंगे अगर ओनली प्योर डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट, बट यहाँ पे हम उसमें फ्लेवर्स भी ऐड कर रहे हैं। और हम पूरा टार्ट शेल बनाने से लेके आप उसमें कैसे चॉकलेट फिल करेंगे हम पूरा आपको बताएंगे। तो इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है और ये वीडियो भी आप बार बार देख सकते हैं, अमूल के पेज पे रहता है। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस मैं ना ले पाऊँ तो बाद में ले लूँगी या जब मैं फ्री होंगी। तो लेट्स स्टार्ट। आई होप आपको दिख रहा होगा। ओके, सो टार्ट बनाने के लिए हमको चाहिए है जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें है, पहले हम बनाएंगे टार्ट शेल। तो हम उसके लिए लेंगे मैदा। मैदा हम लेंगे उसमें अराउंड 130 ग्राम हम इसमें मैदा ले रहे हैं। ओके, तो मैंने ये 0 पे सेट कर दिया है। सो ये 130 ग्राम हमने मैदा लिया है। और मैदे से पहले हम इसमें क्या करेंगे, ये तो मैदा हमने वे कर लिया है, इसको हम साइड में रखेंगे। अमूल लाइव है तो अमूल का बटर, और अब मैं इसमें लूंगी 75 ग्राम अमूल का बटर। तो ये 100 ग्राम की बटर की वो है, मैं इसमें से 75 ग्राम बटर इसमें डालती हूँ। ओके, सो लेट्स ओपन इट। एम आई ऑडिबल? हाय एवरीवन, सो टुडे वी आर मेकिंग मल्टी फ्लेवर्ड चॉकलेट टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो अभी हम जो टार्ट शेल्स होते हैं उसको बना रहे हैं सबसे पहले। उसके लिए हम ले रहे हैं, यहाँ पे हमने 130 ग्राम मैदा वे करके रखा है, अब हम इसमें ले रहे हैं 75 ग्राम्स बटर। आई थिंक ये 100 ग्राम का है तो मैं इसका 3/4 ले लूंगी, दैट इज 75 ग्राम्स। हमको इसमें जो बटर लेना है वो रूम टेम्परेचर का लेना है। ओके okay? अब इसमें हम डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे 30 ग्राम्स पाउडर्ड शुगर। ओके, 30 ग्राम पाउडर्ड शुगर आप यहाँ पे जब तक देख सकते हैं, ये देखिए, आई थिंक इट्स इज विजिबल और नॉट, आई हैव रिटन फॉर यू बट आई कांट सी, लाइक डोंट नो वेदर इट्स विजिबल और नॉट। ओके, थैंक्स थैंक्स इंदिरा, यस आई एम ऑडिबल एंड इट्स क्लियर टू यू एवरीवन। एनी प्रॉब्लम यू कैन लेट मी नो। टुडे आई एम हैंडलिंग अलोन, एवरीवन इज बिजी विद देयर कोर्स बिकॉज इट्स अ वीकडे, सो आई हैव टू हैंडल द कैमरा एंड एट द सेम टाइम आई हैव टू प्रिपेयर। मुझे साथ साथ बनाना भी है और कैमरा भी हैंडल करना है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ, मैंने डाला इसमें 70, वी कांट सी। ओके, जस्ट लेट मी, कैन यू सी दिस?
Now, can you see this pot? Now, can you see this? Okay, ingredient list, no problem. I will show you again. First, let me just measure the ingredients and I'll keep it for mixing. Okay, तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ, मैंने 75 grams butter डाला है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 30 grams sugar. सो ये मैंने इसमें लिया है बटर और शुगर, पाउडर्ड शुगर लेना है आपको. ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, आप वैसे तो विस्कर से भी विस्क कर सकते हैं, बट हम इसको यहाँ पे स्टैंडिंग मिस इसमें लगा देते हैं. ओके, क्योंकि साथ साथ हमको चॉकलेट भी प्रिपेयर करनी है तो टाइम कम रहता है, तो मैं इसको ये इसमें हैंड मिक्सर में लगा देती हूँ. ये हमको इसको मिक्स करना है जब तक कि ये थोड़ा सा वाइटिश ना हो जाए. सो इफ आई कैन शो यू, आप इसको हैंड विक्स से भी कर सकते हैं. ओके, और आप स्पैचुला से भी कर सकते हैं, बट इससे काफ़ी अच्छा हो जाता है सैंड मिक्सर से. और साथ साथ ही जब तक वो मिस विस्किंग चल रही है, हम यहाँ पे चॉकलेट की प्रिपरेशन शुरू करेंगे. तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ वाइट कंपाउंड चॉकलेट ले रही हूँ मैं. ये व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट है. ओके, सो अब मैं इसको ये मैं ले रही हूँ 100 ग्राम्स, एग्जैक्टली 101 ग्राम्स. इसमें जो फोर होते हैं 400 ग्राम्स की होती है, तो इसका वन इज 100 ग्राम्स. ओके, तो वे करने की भी कोई वो नहीं था. एंड हम इसको क्या करेंगे, इस चॉकलेट को डाइस कर लेंगे. उससे पहले मैं ये पैन में अमूल की क्रीम ले रही हूँ. ये अमूल की क्रीम है, नॉर्मल क्रीम जो हम कुकिंग के लिए लेते हैं, नॉट व्हिपिंग क्रीम नहीं लेना है, नॉर्मल क्रीम लेना है. ये हम बना रहे हैं चॉकलेट गनाश. ओके, सो हाय एवरीवन, दोज हु हैव जॉइंड जस्ट नाउ, हम बना रहे हैं मल्टी फ्लेवर्ड चॉकलेट टार्ट. और अभी उसके लिए मैं ये बना रही हूँ चॉकलेट गनाश के लिए. मैं इसमें डाल रही हूँ 100 ग्राम क्रीम, यस इट्स एमएल. तो मैं ले रही हूँ, इक्वल क्वांटिटी लेते हैं हम लोग क्रीम और उसकी चॉकलेट की. मैंने लिया 100 ml क्रीम. अब मैं इसको यहाँ पे हीट अप के लिए रख दूंगी. ओके, यहाँ पे मैं इसको हमको ज्यादा बॉईल नहीं करना है, हमको सिर्फ इसको बिल्कुल स्लाइट इसमें जैसे बबल्स आएंगे, आई विल जस्ट शो यू. तो मैं इसको ऑन करती हूँ. ओके, बिल्कुल लो उस पे
हम इसको करेंगे ये देखिए हल्के से बिल्कुल ऐसे बबल्स आए हैं, बस हमको इतना ही करना है। हम इसको माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। ओके, ये मैंने बंद कर दिया है बिकॉज ये हो गया है। अगर हम देखेंगे हमको चाहिए होगा तो हम इसको फिर से करेंगे। ओके, अब हमने जो ये चॉकलेट था इसको मैं फाइन चॉप करके इस क्रीम में डालूंगी जो कि मैंने अभी गरम की है। हम इसको फाइन चॉप करेंगे तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। चॉकलेट को कंपाउंड चॉकलेट को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, इसको बाहर ही रखते हैं, खराब नहीं होता। और देखिए कितना सॉफ्ट है, इजीली चॉप हो रहा है। हमने व्हाइट चॉकलेट इसलिए लिया है गनाश बनाने के लिए क्योंकि हम इसमें फ्लेवर्स ऐड करेंगे। तो आप जब चॉकलेट गनाश में तो फ्लेवर्स नहीं ऐड कर सकते हैं, तो ये हम व्हाइट चॉकलेट गनाश बना रहे हैं। और गनाश जो होता है दैट इज क्रीम एंड चॉकलेट का जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं गनाश। अलग अलग कंसिस्टेंसी का होता है, उसमें अगर आप चॉकलेट बढ़ा देंगे तो थिक बन जाएगा, अगर आप क्रीम बढ़ाएंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो इट्स अप टू यू आपको कैसा गनाश चाहिए। चूंकि हमको सेमी गनाश चाहिए, मींस हमको उसको सेट करना है टार्ट में, इसलिए हम इक्वल क्वांटिटी ले रहे हैं। ओके, तो मैं इसको क्रीम को एक बार हल्का सा ऑन करके ये डाल देती हूँ। और बस हम ये बंद कर देंगे। हमने हल्का सा वार्म करने के लिए बस इसको ऑन किया था और ये हम अच्छे से देखिए इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने ये ऑफ कर दिया है, जस्ट एक स्लाइट वार्म चाहिए हमको जो कि चॉकलेट को मिक्स कर दे अच्छे से। ये देखिए कितने अच्छे से चॉकलेट मिक्स हो गया है, बिल्कुल इसके सारे हम जो पीसेज हैं चॉकलेट के उनको अच्छे से हम मेल्ट कर लेंगे। और ये देखिए ये हमारा मिक्सचर भी काफ़ी ये उस मिक्स हो गया है शुगर एंड बटर। मैं इसको भी अभी निकाल लेती हूँ, इसको बंद करती हूँ। इसमें से हम सारा निकाल लेंगे। ओके, और इसमें हम मिलाएंगे, हम वैसे हम इसमें ही हम मैदा डाल के इसको वापस से कर सकते हैं, तो हम हाथ से पूरा करने की हमको ज़रूरत भी नहीं है। तो ये जो मैंने 130 ग्राम मैदा वे किया था वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। हम सारा ही इससे मिक्स कर लेते हैं और वेनिला एसेंस भी डालेंगे हम इसमें। तो हम इसमें डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वेनिला एसेंस। ओके, और अब हम इसको 5 मिनट के लिए वाले में हो रहा है बिकॉज हमको इसको क्रम्बल करना है। इधर हमारा ये देखिए गनाश भी रेडी है, यस वी आर टेकिंग फ्रूट फ्लेवर्स।
यस राइमा, हम इसमें फ्रूट फ्लेवर्स ले रहे हैं, तो अभी मैंने ये चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट का गनाच ऐड किया है। ये देखिए एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी का हो गया ये, है ना। अब हम, मैं बताऊंगी इसमें हम कैसे फ्लेवर्स ऐड करेंगे। इसको देख लेते हैं, ये हमको साइड्स में जो लगा हुआ है उसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये हम जो चॉकलेट टार्ट के हमको टार्ट बनाना है, ये हम उसका मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। और इसमें हमने लिया है 75 ग्राम्स बटर, 30 ग्राम्स पाउडर्ड शुगर, 130 ग्राम हमने लिया है इसमें रिफाइंड फ्लोर मैदा, जो भी आप बोले उसको। और अब हम इसको अच्छे से हाथ से ही हम इसको वो कर लेंगे इकट्ठा। इसको हमको बहुत ज्यादा मिक्स करने की जरूरत नहीं, ये डो एकदम स्मूथ डो नहीं बनाना होता है। मैं इसको इधर ले लेती हूँ। सॉरी, आज मैं अकेले हैंडल कर रही हूँ बीच बीच में तो ये अब ये देखिए, ये जो डो है इसको बस हमको ऐसे इकट्ठा कर देना है, और इकट्ठा करके हमको इसको फ्रिज में रखना है 1 घंटे के लिए। 1 जिप लॉक में, या फिर आप उसमें भी रख सकते हो, क्लिंग फॉइल में भी रख सकते हो। ये देखिए ऐसे इसको इकट्ठा कर लीजिए। ये देखिए ये पूरा ऐसे इकट्ठा हो गया। अब हम इसको एक जिप पाउच में रख के 1 घंटे के लिए हमको इसको फ्रिज में रखना है। तो मैंने पहले से ही रख के रखा था फ्रिज में, मैं वो वाला यूज करूंगी और इसको मैं फ्रिज में रखने के लिए रख दूंगी। और हम जो मैंने पहले से 1 घंटे पहले रखा था, हम उससे टार्ट शेल्स बनाएंगे। टाइम कम है तो हम साथ साथ इस तरह का भी तैयारी करके रखनी पड़ती है। तो ये देखिए ये वैसा ही था, ये अच्छे से सेट हो गया है। और अब हमको ये ऐसे टार्ट शेल्स हैं, ये देखिए, है ना। कुछ भी नहीं करना इसके अंदर, कुछ भी नहीं लगाना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी काफी बटर है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें से लेंगे थोड़ा सा और इसके अंदर हम ऐसे अपने थंब से, आई होप आप सबको दिख रहा है, ये देखिए ऐसे थंब से इसको अच्छे से प्रेस करते हुए पूरा साइड्स में इसको ऊपर ऊपर लेते जाएंगे। नीचे से हम इसको ऐसे साइड्स में ऊपर ऊपर लेते जाएंगे, एक बहुत पतली भी नहीं और बहुत मोटी भी नहीं, एक लेयर हम इस पूरे शेल में इसकी बना लेंगे। ये देखिए चूंकि ये फ्रिज में रखा था 1 घंटे, तो आराम से बहुत अच्छे से हो रहा है, ये जैसा भी हम शेप देना चाह रहे हैं ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। एक मिनट, ये थोड़ा सा जहाँ पे भी आपको थोड़ा पतला लगे वहां पे आप थोड़ा सा और ले लीजिए। अब जो इसका ये ऊपर का एक्स्ट्रा है इसको पूरा ऊपर तक लाना है आपको, ये देखिए इस तरह से। और जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ऐसे नाइफ से स्क्रैप कर देंगे, ये देखिए
जो भी एक्स्ट्रा है उसको हमने ऐसे निकाल दिया। और अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ऐसे फोक से वो थोड़े होल्स ऐसे कर देंगे, जिससे क्या होता है ये फूलता नहीं है, स्लाइट स्लाइट एकदम हल्के से ऐसे होल्स को क्रिएट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से जो एक्स्ट्रा उसको निकाल देंगे। ये देखिए ये हमारा यस फोक से पोक करेंगे यस एंड अब हमको इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। और हमको इनको करना है बेक करना है 170 डिग्री पे अराउंड 20 मिनट्स ओके। और ओटीजी के नीचे वाले सबसे नीचे वाले रैक में रखेंगे और सिर्फ नीचे वाली रॉड ऑन करेंगे हम इसकी। ये सारे हम बना के शेल्स जो हैं, ये टार्ट शेल्स जो हैं, इनको हमको अब ओटीजी में रखना है 170 डिग्री पे ओटीजी को हम रखेंगे और इसको हम सबसे नीचे वाले शेल्फ में रखेंगे ओटीजी के और नीचे वाली ही रॉड ऑन करेंगे ओके। सो और ये फिर मैंने ये कुछ पहले से बना के रखे हुए थे क्योंकि 20 मिनट्स तो टाइम ही नहीं होगा। सो इतना ज़्यादा टाइम नहीं, तो ये मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बनाए। ये देखिए ये टार्ट शेल्स इतने बढ़िया बन गए। ये देखिए माइक्रोवेव में मैंने कभी बेक नहीं किया और ये माइक्रोवेव में बेक भी नहीं होंगे। इसके लिए आपको ओटीजी ही चाहिए या फिर आप मार्केट से कन्वेक्शन मोड आपके माइक्रोवेव में है तो आप देख सकते हैं, बट आई एम सॉरी मैंने कभी माइक्रोवेव में इसको बनाया नहीं है। मेरे पास ओटीजी है सो आई कैन टेल यू रेसिपी अकॉर्डिंग टू ओटीजी। और ये मार्केट में भी मिलते हैं, तो आगे की रेसिपी जो मैं बता रही हूँ वो अगर आप नहीं ओटीजी है तो आप इसको मार्केट से भी बाय कर सकते हैं इनको, बट मैंने सोचा आपको स्क्रैच से बताऊं। तो ये हमने बना लिए स्टार्ट, अब हम इसके अंदर की फिलिंग रेडी करते हैं ओके। इसको हम हटा देते हैं यहां से। वर्क स्टेशन को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ओके। और ये देखिए ये हमारा जो गनाश है ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। देखिए एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी का है जैसा कि हमको चाहिए है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें मिलाएंगे फ्लेवर्स। तो फ्लेवर्स के लिए वैसे तो मार्केट में चॉकलेट्स भी आती हैं फ्लेवर वाली, आप वो भी ले सकते हैं, बट बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं। तो मैं आपको आज बता रही हूँ कि कैसे आप जो मार्केट में क्रश मिलता है ना, फ्रूट क्रश मिलता है, उससे हम कैसे बना सकते हैं। सो ये देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट क्रश हैं, स्ट्रॉबेरी, कीवी, पाइनएप्पल एंड ऑरेंज। तो हम आज इन चार फ्लेवर का आपको बनाना बताएंगे टार्ट, चॉकलेट टार्ट ओके। तो हमको अब क्या करना है, एक ग्लास में हम लेंगे ये देखिए मैं इसमें लूंगी करीब 2-1.5 अराउंड स्पून मैंने लिया टेबल स्पून। और अब मैं इसमें मिलाऊंगी, ये देखिए इसको ना मैंने जो ये क्रश आता है इसको मैंने एक मिनट माइक्रोवेव कर लिया था, तो नहीं तो क्या होता है ये बहुत लिक्विड होता है। तो नहीं आप आटा नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये हमको काफी क्रिस्पी मतलब ऐसे चाहिए हैं, कैसे खस्ता चाहिए हैं।
तो आटे से वो नहीं आ पाता है खस्तापन, तो आपको इसमें मैदा ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके तो ये मैंने ये इसको ऐसा जेली जैसा कर लिया था, एक ही एक से डेढ़ मिनट में हो जाता है। और इसका मैं जितना आपको चाहिए आप उतना डाल लीजिए, फ्लेवर तो आपने ऊपर है। आपको चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा चाहिए तो आप इसको कम डालिए, आपको ये ज़्यादा चाहिए तो आप इसको ज़्यादा डाल दीजिए। और अब हम इसको ऐसे इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये बन गया कीवी फ्लेवर की हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। और जो हमने टार्ट शेल मैंने पहले से बना के रखे हैं, मैं उसमें अब ये फिलिंग एक एक में फिल करती जाती हूँ। आप इसको पाइपिंग बैग में लेके भी पोर कर सकते हैं और ऐसे भी पोर कर सकते हैं। वैसे भी हमको इसको अब फ्रिज में सेट होने के लिए रखना ही है। ये जो टार्ट शेल्स हैं ये भी आप साइज अपने अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर सकते हैं। ये देखिए ये कीवी फ्लेवर का बन गया, लुकिंग गुड, लुकिंग टेम्प्टिंग। होप यू ऑल आर टेम्प्टेड। ओके सो नाउ आई विल टेक अनादर फ्लेवर। अगेन आई विल टेक वन एंड अ हाफ। ओके एंड आई हैव दिस इज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। ओके लेट मी टेक द स्पून। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए अगेन इसको हम मिक्स कर लेंगे। गनाश रेशो जीना हमने 1:1 का लिया है बिकॉज हमको इसकी कंसिस्टेंसी थिक चाहिए थी, है ना, क्योंकि हमको ये सेट करना है फ्रिज में। तो गनाश रेशो हमने 100 ml क्रीम ली थी और 100 g हमने इसकी वाइट चॉकलेट कंपाउंड लिया था। ओके ये देखिए ये स्ट्रॉबेरी का बन गया। नाउ आई एम फिलिंग इट इन अनदर वन। सी दिस इज अ स्ट्रॉबेरी। ओके नाउ I'll take another glass and again same thing. So it's very easy, looks very delicious and actually जब बना हुआ दिखता है तो ऐसे लगता है कि बहुत मेहनत लगी होगी, बट आपने देखा कितनी झटपट मैंने ये बना लिया। इसमें मैं डाल रही हूँ पाइनएप्पल और ये पाइनएप्पल में थोड़े से चंक्स भी आए हैं, देखिए पाइनएप्पल के पीसेस भी हैं, ये और भी अच्छा लगेगा। आप ये जो क्रश मैं इसमें डाल रही हूँ आप घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं इन क्रश को, बट ये रेडीमेड में इजीली मिक्स हो जाते हैं और अच्छे भी हैं, टेस्टी भी हैं। महाराष्ट्र में बॉम्बे में तो बहुत अच्छे मिलते हैं ये क्रश बिकॉज ऑफ अपना महाबलेश्वर मलाबार के, बहुत ही टेस्टी हैं। ये देखिए ये हमारा बन गया पाइनएप्पल। Now I'll fill it in this. मैं काम करती हूँ जिसमें सर्व करना है मैं उसमें रखती जाती हूँ, है ना, दैट इज अ ग्रेट आइडिया। दिस दिस एंड नाउ पाइनएप्पल। ये बड़ों को बच्चों को सबको बहुत पसंद आने वाले हैं और बहुत ही इजीली बन जाते हैं, तो बाजार से खरीदने की तो अब जरूरत ही नहीं है, आप इनको घर में ही बना सकती हैं। एक लास्ट और बना लेते हैं हम ऑरेंज वाला। ओके सो देखिए बिल्कुल इतने चॉकलेट में हमारे ये चार बन गए हैं। इनफैक्ट चाहे तो एक और बन सकता है किसी और फ्लेवर का, उतना चॉकलेट सब में हमने जो डाला था वो
इकट्ठा। ये ऑरेंज है, दिस इज ऑरेंज वन एंड आई एम जस्ट पोरिंग इट एंड नाउ मिक्स इट। ऑरेंज इज माय फेवरेट, आई जस्ट लव ऑरेंज। वैसे तो सारे ही अच्छे लगते हैं बट यस, सबका अपना अपना फेवरेट फ्रूट होता है। सो माइन इज ऑरेंज। ओके सो आई जस्ट फिल दिस वन हियर। एंड गाइस क्विकली आई हैव प्रिपेयर्ड फोर फ्लेवर्स आपने चॉकलेट टार्ट तो बहुत खाए होंगे लेकिन मल्टी फ्लेवर्ड चॉकलेट टार्ट इजंट इट डिलीशियस। यस यस शीतल, आई विश आप सबको मैं ये खिला पाती। एंड ओके सो मंजू जी मैं रेसिपी फिर से शेयर कर देती हूँ, इट्स वेरी इजी रेसिपी। और मैं मेरा यूट्यूब चैनल जो है उस पर चॉकलेट टार्ट की रेसिपी भी है, तो उसमें जो टार्ट शेल है उसकी रेसिपी भी है। एंड इसकी जो रेसिपी है उसमें आपको सबसे पहले बनाने हैं चॉकलेट टार्ट। और टार्ट शेल के लिए आपको लेना है 75 ग्राम बटर, उसमें आपको डालना है 30 ग्राम पाउडर्ड शुगर और उसको अच्छे से विस्क कर लेना है, उसको इतना विस्क करना है कि वो वाइटिश हो जाए। ओके एंड देन आपको उसमें 130 ग्राम मैदा डालना है। 130 ग्राम मैदा डालने के बाद आपको उसको वापस से विस्क करना है, साथ में आपको 3-4 ड्रॉप्स ऑफ वेनिला एसेंस विच इज ऑप्शनल, अगर है तो डाल दीजिए। ओके एंड देन आपको अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है एंड उसका बहुत आपका सॉफ्ट डो नहीं बनेगा, सो डोंट वरी, वो क्रम्बली डो होगा जो कि आपको फ्रिज में रखना है। उसको इकट्ठा बस कर लीजिए और उसको एक क्लिंग फॉइल में या जिप लॉक में या डब्बे में रख के उसको फ्रिज में 1 आवर के लिए रख दीजिए। आफ्टर 1 आवर आपको टार्ट शेल्स जो होते हैं ये इनमें ये ऐसे टार्ट शेल्स में आपको उसको अंदर इस तरह से डो को अंदर लाइन कर देना है पूरा और पोक से उससे पोक कर देना है। ओके एंड 170 डिग्री पे ओटीजी के सबसे नीचे वाले रैक में आपको इसको 20 मिनट्स के लिए बेक करना है। और फिर उसके बाद ये जो हमने बनाया मिल्क चॉकलेट कंपाउंड का गनाश बनाया और उसमें हमने फ्रूट्स फ्लेवर्स मिलाए और हमने उन सब में पोर कर दिया। गनाश इज 1:1 का रेशो है, 100 ml क्रीम, 100 ग्राम चॉकलेट कंपाउंड, व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड। और ये अभी हम इसको फ्रिज में एटलीस्ट 1-2 आवर सेट करेंगे। तो ये मैंने कुछ छोटे सेट करके रखे थे, ये देखिए इसमें मैंने चॉकलेट भी बनाया था, ये पूरे सेट हो गए हैं, यू कैन सी परफेक्टली सेट है ये। ये मैंने जो स्ट्रॉबेरी चॉकलेट कंपाउंड लिया था, ओके ये ऑरेंज चॉकलेट कंपाउंड था, अगर ये मिलता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप चॉकलेट के क्रश भी मिला सकते हैं, फ्रूट क्रश सॉरी। और ये कीवी का मैंने क्रश डाल के ही बनाया था, इसका कंपाउंड नहीं था। सो दिस इज द वे एंड ये जो अभी रेडी हुए हैं इनको हम फ्रिज में रख देंगे। सो दिस इज माय मल्टी फ्लेवर्ड चॉकलेट टार्ट। थैंक यू अमूल, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन, एंजॉय योर लाइफ, सेफ लाइफ, बाय बाय।